हमारे देश में नदियों का विशेष महत्व है। हर नदी के साथ एक कथा जुड़ी हुई है और उस कथा को लोग मानते हैं और पूजते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां नदियों को पूजा जाता है, उन्हें विशेष महत्व दिया जाता है। भारत में एक ऐसी नदी है जहां से निकला हर पत्थर शिवलिंग माना जाता है। ग्रंथों में इस नदी को नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल नर्मदा नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है। नर्मदा से निकले शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। कहते हैं कि जहाँ नर्मदेश्वर का वास होता है, वहाँ काल और यम का भय नहीं होता और व्यक्ति समस्त सुखों का भोग करता हुआ शिवलोक तक जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार नर्मदा नदी को शिव जी का वरदान प्राप्त है, इसी कारण इससे प्राप्त होने वाले शिवलिंग को पवित्र माना जाता है और यहाँ से निर्मित शिवलिंग को सीधा ही स्थापित किया जा सकता है। नर्मदा से निकले शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। कहते हैं कि नर्मदा का हर कण शंकर है, इसके पीछे कहानी क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नर्मदा समूचे विश्व में दिव्य व रहस्यमय नदी है। इसकी महिमा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड में किया है। इस नदी का प्राकट्य कैसे हुआ, इस विषय में पुराणों में कथा मिलती है, जिसके अनुसार जब भगवान विष्णु राक्षस वध के बाद प्रायश्चित करना चाहते थे, तब प्रभु शिव द्वारा अमरकंटक के मैकल पर्वत पर भगवान शिव द्वारा 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में किया गया। महारूपवती होने के कारण भगवान विष्णु व आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या ने एक नदी को प्रकट किया, जिसमें स्नान कर भगवान विष्णु ने अपना प्रायश्चित किया, वह यह नदी नर्मदा नदी कहलाई। नर्मदा जी ने बहुत वर्षों तक तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा, तब नर्मदा जी ने कहा, आप मुझे गंगा जी के समान होने का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले और कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा जी के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा जी उनका वरदान त्याग कर काशी चली गई और वहाँ पिलपला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी। नर्मदा जी ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचक्रोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि प्रलय में भी मेरा नाश ना हो, मैं विश्व में एकमात्र पाप नाशनी प्रसिद्ध हो जाऊं, मेरा हर पाषाण शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो, विश्व में हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान हो, मेरे तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करें। नर्मदा जी की बातें सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं, वे सब मेरे वश से शिवलिंग रूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने से पाप का नाश होता है, यमुना में 7 दिन के स्नान से और सरस्वती में 3 दिन के स्नान से पापों का नाश होता है, मगर तुम्हारे दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली होगी। तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है, वह पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान शिव उसी शिवलिंग में लीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा जी भी प्रसन्न हो गईं। ग्रंथों के अनुसार सभी शिवलिंग में से नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी होती है। ऐसे लोग जो इस रहस्य को नहीं जानते, वे दूसरे पाषाण से निर्मित शिवलिंग स्थापित करते हैं। ऐसे शिवलिंग भी स्थापित किए जा सकते हैं, पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है, जबकि श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित है। नर्मदा नदी के तट पर सभी देवता, ऋषि मुनि, गणेश जी, कार्तिकेय जी, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी आदि ने नर्मदा नदी तट पर ही तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की थी। नर्मदा नदी की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां से कई बार ओम लिखे हुए शिवलिंग भी निकलते हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और महादेव का चमत्कार देखकर दंग रह जाते हैं।